आपका एक होता है ना कि आपकी चाहत होती है कि आपकी टीम जीते, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि यूपी से भी मैं कुछ खास दूर नहीं हूँ, मेरा जो घर है काफी करीब है दिल्ली यूपी बॉर्डर के, तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं एक वो वाला मोमेंट है जहाँ पे आप इस टीम के जीतने पे भी खुश होंगे और आप उस टीम के जीतने पे भी खुश होंगे। बिल्कुल सही कहा पढ़ना आपने। और आप दिल्ली को सपोर्ट करें क्योंकि आप दिल्ली से हैं और आपको तो पता ही है मैं यूपी से, तो मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल यूपी की टीम अच्छा करे और आगे जाए और वो चैंपियन का टाइटल लगाए इस बार। अब देखना होगा जी कि देखिए, चैंपियन का टाइटल कौन लगाएगा। और इसी के साथ दिल्ली अभी डू और डाई रेड पर आ गई है। देखते हैं इस बार आपकी यूपी या मेरी दिल्ली। देखिए जो अच्छा खेलेगा, मैच तो बहुत अच्छा डेस वाह किया है, 2 नंबर जर्सी ने वाह, कोई गलती नहीं किया, लेकिन वहां पर पॉइंट भी हासिल किया है और डिफेंस ने भी बता दिया है कि यूपी का डिफेंस कल भी उतना ही मजबूत था, आज भी उतना ही मजबूत है। फिलहाल यूपी की आन बान शान, पोस्टर बॉय राहुल चौधरी इस वक्त दिल्ली के खेमे में नजर आ रहे हैं और तलाश रहेगी उनके उन्हें लिए पहले भी ये पॉइंट डू और डाई की। रेड है मोनू। जी हाँ बिल्कुल, तो पॉइंट्स तो लाना पड़ेगा ही, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था राहुल चौधरी को डू और डाई रेड्स में रेड करना या फिर सुपर टैकल ऑन हो सामने वाली टीम का जब रेड करना सबसे ज्यादा पसंद है, और ऐसी कंडीशंस में पॉइंट भी निकालते हैं और पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है बड़ी चतुराई के साथ। जी हाँ, अब अगर स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो दिल्ली 6-3 पे ही अटकी हुई है, जहां पे यूपी ने पिछले कुछ रेड में फिर से पॉइंट्स निकाले हैं और 6 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। विनीत मावी दिल्ली के एक स्टार रेडर, यहाँ पे रेड करने, क्या यहाँ पे स्टेप आउट हुआ था? नहीं, जी हाँ स्टेप आउट बिल्कुल, नहीं ये हुआ आई एम्प्टी रेड। थिंक। वहां पे मुझे एक बार को लगा था कि कॉर्नर का जो फीट है वो लाइन पर था, बट वो लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो इस वजह से वो मैट के अंदर ही माने जाएंगे। थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को रूल्स के बारे में बता दें कि जब ये जो लॉबी है, जो हम यहाँ पे पिंक कलर का जो एरिया देख रहे हैं ब्लू के साथ, वो एक्टिव तभी होता है जब एक टच लग जाता है, उसके पहले वो आउट माना जाता है। अगर बिना टच किए किसी भी डिफेंडर का या रेडर का मैट से पैर बाहर जाता है तो वो आउट माना जाता है। जी बिल्कुल, अपना सही कहा आपने और सही समझाया दर्शकों को, क्योंकि कई बार दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट किस प्रकार से दे दिया है, तो नियमों का जानना सबसे ज्यादा जरूरी। पहले तो यहाँ देखिए मल्टीपल रेड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कसमें खाई जा रही है राहुल चौधरी के द्वारा, एक पॉइंट तो है और दूसरी की दावेदारी पेश कर रहे हैं, अब इंतजार रहेगा। चलिए एक ही मिलेगा उन्हें, वो तो दूसरे के लिए वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे कि ये दूसरा पॉइंट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अंपायर ने और जो रेफरी है उन्होंने उस बात को स्वीकारा नहीं है और थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डू और डाई में दिल्ली की तरफ से विनीत मावी आए रेड करने के लिए, यहां पर डिफेंस को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, पिछले कुछ रेड्स में दिल्ली ने कुछ खासा पॉइंट नहीं निकाला है और यहाँ पे विनीत मावी लॉबी में गए हैं, यानी कि टच लगा है। जी हाँ, डू और डाई रेड में टच लेकर पॉइंट आए हैं, तो इसका मतलब वो मैट से बाहर नहीं रहेंगे और एक पॉइंट उन्होंने अपने नाम और अपनी टीम के नाम भी किया। और हमने देखा है काफी समय बाद आया है एक पॉइंट दिल्ली के लिए, वो 3 पॉइंट स्पीड के साथ लगाए, चौथे पॉइंट लेने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर से यहाँ पर विनय गए थे रेड करने के लिए और अपने टीम के लिए 8वां पॉइंट लेकर वापस आ गए। जी हाँ बिल्कुल, विनय भी एक काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका भी अगर हम फ्रेंचाइजी लीग में बात करें तो अभी वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, इवन इन फ्रेंचाइजी लीग। जी अगर वहां अच्छा करेंगे तो यहाँ भी अच्छा करेंगे, यहाँ अच्छा करेंगे तो सीधे भारतीय टीम के लिए भी चुनाव होना है, तो यहाँ पर सभी प्लेयर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ बेहतर करें और बेहतर मंच पाएं और अपने नाम को रोशन करें और भारत के नाम को भी आगे लेकर जाएं। फिलहाल तो यहाँ पर 33 नंबर जर्सी पिछले मैच के सुपरस्टार विनय, क्या ले पाएंगे? नहीं, नहीं पकड़ बिल्कुल लिए गए नहीं। इस बार तो। जी हाँ, काफी शानदार डबल थाई होल्ड था। ऑल्दो अगर हम बात करें विनय की, विनय ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे पूरा डिफेंस उनके ऊपर लगता है, वो वहां से एस्केप काफी अच्छा करते हैं और विनय का हैंड टच भी हालांकि बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर हम फ्रेंचाइजी लीग की बात करें, उन्होंने पिछले सीजन में
23 मैच में 165 अपने पॉइंट्स अपने नाम किए थे, तो और उनकी ही टीम जो थी वो रनर अप टीम थी, तो वहां पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विनर कहीं ना कहीं फॉर्म में है, लेकिन उनका जो फॉर्म था यहाँ पे तोड़ा गया दिल्ली के डिफेंस के द्वारा। और बात करें लय की, तो अपना आपका क्या मानना है इसके ऊपर कि अगर पिछले मैच में कोई प्लेयर अच्छा करके जाता है तो मैं उतना ही अच्छा करेगा या फिर अलग अलग रहता है हर मैच में? फिलहाल देखिए डैश कर दिए गए और कनेक्शन टूट गया उनका, बढ़िया डैश किया और वहां पर टीम का सपोर्ट भी आया। अगर समय के साथ टीम का सपोर्ट आता है तो फिर डिफेंस बढ़ चढ़कर बोलता है। फिलहाल राहुल चौधरी फिर से शिकार कर वाह लिए जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर चार का डिफेंस और चार के डिफेंस में पॉइंट लाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है और दिल्ली के डिफेंडरों ने बता दिया है कि बिल्कुल दबंगई के साथ इस मैच को खेला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल मोनू। यहाँ पे जो राहुल चौधरी की हम बात करें तो पिछले दो रेड में राहुल चौधरी चार के डिफेंस में गए थे और दोनों ही रेडों में वो चार के डिफेंस में मैच से बाहर किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली की टीम है वो काफी वेल प्रिपेयर्ड आई है। राहुल को कैसे मैच से बाहर रखना है ये उनकी स्ट्रेटेजी पहले ही बनी रही होगी, जिस वजह से वो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं राहुल के अगेंस्ट। और वहीं अब विनय आ गए हैं मैट पर। विनय जो कि पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था यहाँ पे 17th सीनियर नेशनल में, और यहाँ पे बैलेंस बिगड़ा जर्सी नंबर 1 हिम्मत का और वो मैट से बाहर गिरे, तो उनको पहले ही मैट से बाहर खींच लिया गया है और चार का डिफेंस है अभी, लेकिन पॉइंट नहीं ले पाए। तो एक जो वो स्टेप आउट का जो बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक स्टेप आउट का पॉइंट वो यूपी के खाते में जरूर ऐड हुआ है। जी, और कुछ देर पहले आपने वहां पर नियम बताए भी थे कि किस प्रकार से पॉइंट आ सकते हैं एक्स्ट्रा के रूप में। फिलहाल तो यहाँ पर शुभम ने भी बता दिया है कि मैं भी अब पीछे हटने वाला हूं नहीं, प्रयास जरूर किया था उत्तर प्रदेश के डिफेंडरों द्वारा उनका एंकल होल्ड करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। शुभम के खाते में जाएगा ये एक पॉइंट और इसी के चलते मात्र 3 पॉइंट्स की लीड हमें नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के पास और पहला हाफ काफी क्लोज हो रहा है। और एक समय लगा था कि ये मैच थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होने वाला है लेकिन That पहले was a आपके wrong attempt. That was a हाँ wrong attempt. ये जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा एडवांस टैकल मारने का प्रयास किया लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली है और ऐसे विनय। जो एक्सपीरियंस्ड रेडर्स होते हैं उनको आप अकेले इस तरीके से टैकल नहीं कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा तो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अजय पंडित आ गए हैं रेड पे, बोनस का अटेम्प्ट किया, देखना ही होगा क्या उनको बोनस मिला। जी नहीं, लाइन कट हुई है यानी कि उनको बोनस नहीं दिया गया और चार के डिफेंस में फिर से आ गए हैं राहुल चौधरी। इससे पहले इस सिचुएशन में जब भी राहुल चौधरी आए हैं दोनों बार मैट से बाहर किए गए हैं। क्या लगता है तीसरी बार भी पकड़े जाएंगे या इस बार पॉइंट निकालने में कामयाब रहेंगे? ये मल्टीपल रेड पॉइंट होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, 2 टच पॉइंट निकाल लिए हैं। पिछली बार उन्हें वहां पर टैकल जरूर किया गया था लेकिन तीसरी बार हार नहीं मानी है पोस्टर बॉय राहुल चौधरी ने। उन्होंने बता दिया कि क्यों मुझे पोस्टर बॉय कहा जाता है और क्यों मुझे वो रेड मशीन कहा जाता है, उन्होंने तो बता दिया है इस रेड को लगाकर। फिलहाल अजय पंडित एक बार फिर से दिल्ली के लिए रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार रहेगा कि कोई डिफेंडर थोड़ी सी गलती करे और मैं उसका फायदा उठाऊं। फिलहाल तो यहां पर देखिए एक आसानी के साथ हैंड टच किया, एक मोटा टच और जी एक हाँ पॉइंट लेकर बिल्कुल, वापस चले गए। जी हाँ बिल्कुल, सुपर वहां पे टैकल सा ऑन है दिल्ली की तरफ से। जी हाँ सुपर टैकल सिचुएशन में विनय के सामने, क्या यहाँ पे वो मैट से बाहर कर पाएंगे? जी नहीं बिल्कुल नहीं। एक और दो दो पॉइंट विनय अपने नाम, और यहाँ पे जो लाइव चल रहा है वो है फैन कोर्ट पे, आप उनको फैन कोर्ट पे देख सकते हैं और इवन सीनियर नेशनल के भी कुछ मैचेस आप फैन कोर्ट पे लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पे राहुल आ गए हैं, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे सुपर टैकल कर लिया जाएगा, मेरे हिसाब से लगता है कि उन्होंने डिफेंडर अंदर डाला था लेकिन वो डिफेंडर काम नहीं किया और अब सुरेंदर जाएंगे रेड करने। काफी शानदार पॉइंट निकाला राहुल चौधरी ने। देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, आप बोनस पॉइंट लेकर वापस कर सकते हैं सुरेंद्र को। अगर उन्हें वापस जाने देंगे तो फिर आसानी के साथ उन्हें ऑल आउट देकर
वापस आ जाएगा कोई भी कहीं ना कहीं। दूसरा हाफ बचा हुआ है, तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे दिल्ली इस लीड को कम करके अपने नाम ये मैच कर पाएगी कि नहीं। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि राहुल चौधरी इस बार इस समय पे रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और वहीं दिल्ली के जो स्टार रेडर है विनीत मावी, वो कहीं कुछ खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या यहाँ पे दिल्ली इस लीड को कम कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए पहले हाफ में अगर लीड को थोड़ा सा कम रखेंगे दिल्ली के प्लेयर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही दूसरे हाफ की शुरुआत होगी वहां दबाव ज्यादा रहेगा। फिलहाल 33 नंबर जर्सी में फिर से आई डोंट थिंक दूसरा ऑल आउट मावी रेड पर है विनीत मावी, जो कि दिल्ली के लिए अब तक का पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं, लेकिन इस मैच में कुछ खासा उनका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है। तो सेफ खेलकर वापस जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे सेफ उनको खेलना चाहिए नहीं क्योंकि उनकी टीम अभी काफी पीछे चल रही है, लेकिन वही आ गए हैं राहुल चौधरी। जी हाँ बिल्कुल, पोस्टर बॉय लगातार रेड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से और पॉइंट भी ले जा रहे हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से फिर से रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया, प्रयास में सफल भी रहे। एक और पॉइंट राहुल चौधरी के लिए और इसी के चलते उन्होंने अपना शायद सुपर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स इस समय पे हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, सुपर 10 कंप्लीट कर लिया है राहुल चौधरी ने, और यहाँ पे एक शानदार ब्लॉक हुआ कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल हुआ है, विनय विनय सामने से ब्लॉक कर रहे हैं, विनय रेडिंग में भी चल रहे हैं, विनय डिफेंस में भी चल रहे हैं, और विनय काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यूपी के लिए। अब अगर हम स्कोर लाइन की तरफ नजर डालें तो 13-24 जो दिल्ली की टीम है वो भी काफी पीछे चल रही है यूपी की टीम से, तो यहाँ पे थोड़ा तो अब पेस बढ़ाना पड़ेगा दिल्ली को, और यहाँ पे पॉइंट्स निकालने के सोचने पड़ेंगे। सिर्फ टच पॉइंट नहीं तो कम से कम बोनस पॉइंट उनको यहाँ पे लेना चाहिए, बोनस पॉइंट लगातार लेने चाहिए। देखना देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोनस पॉइंट निकाल पाएंगे विनीत मावी मोनू। हाँ जी हाँ बिल्कुल, बोनस पॉइंट निकालना चाहिए, साथ में टच पॉइंट भी लाना चाहिए क्योंकि अब सिंगल रेट से सिंगल पॉइंट से काम चलने वाला है नहीं, आपको मल्टीपल रेट पॉइंट्स चाहिए। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि बोनस का ट्राई तो वो जरूर करें। और हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली के जो रेटर्स हैं वो थोड़ा सा सेफ खेलते हुए नजर आए। फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से राहुल चौधरी रेड करने के लिए गए, 4 का डिफेंस। और इस सिचुएशन की बात करें तो 2 बार टैकल हुए और तीसरी बार में पॉइंट लेकर आए थे लेकिन तीसरी बार भी यहां पर टैकल कर लिए गए, डैश किया और बाहर कर दिया है उन्हें। एक और पॉइंट दिल्ली के डिफेंस के नाम, तो ये अच्छी चीज नजर आई है दिल्ली के लिए। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर आएगा दिल्ली को कि हमारा जो डिफेंस है वो सामने वाली टीम का जो सुपरस्टार प्लेयर राहुल चौधरी है उनको रोकने में कामयाब है। तो कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। पढ़ना फिलहाल देखिए यहां पर थोड़ी सी गलती की है, जो राइट कॉर्नर है उन्होंने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया लेकिन उतनी पकड़ मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए थी। एक पॉइंट दे दिया सुरेंद्र को, दिल्ली के खाते में एक और पॉइंट नजर आ रहा है। इसी के चलते दिल्ली पहुंच गई है 15 के स्कोर पर और अब विनय फिर से रेड करने के लिए आ गए। तो खतरा कहाँ रहेगा दिल्ली के ऊपर। फिलहाल यहाँ बोनस लेने का ट्राई किया है और शायद कंफर्म भी किया उन्होंने अपनी टीम से कि क्या हाँ नहीं, फर्स्ट हाफ का एंड में स्कोर रहा उत्तर प्रदेश 25 पॉइंट्स एंड दिल्ली 15 पॉइंट्स, और पहले ही हाफ में कहीं ना कहीं यूपी का डिफेंस चला है। यूपी का ओवरऑल अगर हम डिफेंस देखें तो अब तक 5 पॉइंट बना चुकी है, लेकिन वहीं दिल्ली का जो डिफेंस है वो खासा नहीं चला है, लेकिन कुछ प्लेयर्स के मिक्सचर रहे हैं जिन्होंने टैकल पॉइंट्स निकाले, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट किसी भी डिफेंडर ने नहीं लिया है। तो डिफेंस नहीं चल रहा है, रेडर जो है रेडर भी कुछ खासा नहीं चल रहे हैं। विनीत मावी जो कि आए थे एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, उन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स ही अपने नाम किए हैं। बल्कि शुभम बिधूड़ी जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो इससे पहले जूनियर इंडिया कैंप अटेंड कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं, विनीत मावी किससे ज्यादा स्कोर लिया है, लेकिन उनके अलावा कुछ खास रेडिंग या डिफेंस नहीं चला है दिल्ली का। तो अब देखना ये होगा कि सेकेंड हाफ में दोनों ही टीम का कैसा
परफॉर्मेंस रहेगा, क्या स्कोर कार्ड और हाइलाइट्स और बहुत ही सारे गेम्स हैं जो कि आप युवा कबड्डी सीरीज के ऐप पर खेल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको चेहरे वही नजर आएंगे जो कुछ समय पहले प्रोफेशनल लीग में भी खेलते हुए नजर आए थे। यहाँ पे शिवम पतारे है, यहाँ पे दादा सुपुजारी है, ये दोनों कुछ समय पहले प्रोफेशनल लीग में खेलते हुए नजर आए थे। और शिवम ने तो यहाँ पे काफी अच्छा नाम भी पाया है, अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाया है। अब सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है, देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे दिल्ली की टीम अपनी इस बड़ी लीड को कम कर पाएगी। मोनू, जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली की टीम तो यही चाहेगी कि लीड को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लिया जाए, लीड को खत्म किया जाए। और उत्तर प्रदेश की टीम तो यही चाहेगी कि जो लीड हमें पहले हाफ में मिली है उसको कंटिन्यू आगे किया जाए। जो 25 पॉइंट पर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की टीम, वो चाहेगी कम से कम 45 पॉइंट के आसपास पहुंचे। लेकिन यहां देखिए, अगर आप अकेले जाएंगे किसी भी रेडर को टैकल करने के लिए तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। विनीत मावी के लिए एक और पॉइंट हमें नजर आया है, तो दिल्ली की अच्छी शुरुआत हुई है। अब देखना होगा आगाज अच्छा हुआ है, क्या अंजाम उतना ही अच्छा दे पाएगी या फिर वो थोड़ी सी मायूसी लेकर ही वापस जाएगी। फिलहाल तो 33 नंबर जर्सी में विनय सुपरस्टार प्लेयर रेड करने के लिए आ गए और ये जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली दैट वॉज माई क्वेश्चन। आई फील द बिगर क्वेश्चन राइट नाउ फॉर विनीत मावी इज व्हाई इज ही पुटिंग दोज एम्प्टी रेड्स। एंड यहाँ देखिए पे यहां पर शानदार टैकल विनय, शुभम विदुड़ी द्वारा, जर्सी नंबर 10 में शुभम, काफी अच्छा डबल थाई होल्ड किया और विनय को मैट से बाहर किया। यानी कि इस समय पे जो डिफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 4 का बच गया है और जर्सी नंबर 12 में दिल्ली की टीम से रेडर आए हैं। तो क्या यहाँ पे ये जर्सी नंबर 12 में निकाल पाएंगे 4 के डिफेंस से पॉइंट? इससे पहले विनीत मावी एम्प्टी रेड कर कर गए हैं जो कि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप काफी पीछे चल रहे हो और यहाँ पे अब मिंकू ने भी सेफ खेला है। अब देखिए आपने दो एम्प्टी रेड किए हैं, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली डू और डाई रेड पर खेलना चाहती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया वो डू और डाई रेड पर क्यों खेलना चाहती है। और फाइनली वो डू और डाई रेड आ गई है, विनीत मावी अपनी टीम के सुपरस्टार डू और डाई रेड में रेड करने के लिए आ गए हैं। 4 का डिफेंस सामने है, अगर गलती करता है तो पॉइंट जरूर लेकर जाएंगे और गलती की है कसमें खाई जा रही है। इंतजार रहेगा एम्पायर के सिग्नल का। क्या वहां पे भी चलिए नहीं, बिल्कुल आउट। नहीं। विनीत मावी ने क्लेम किया कि मैंने टच लिया है, लेकिन ऑफिशियल्स जो हमारे वहां पे ऑन ग्राउंड ऑफिशियल्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं पॉइंट नहीं दिखा, तो उन्होंने वो पॉइंट नहीं दिया और इसी के साथ विनीत मावी मैच से बाहर हो गए। और यहाँ पे राहुल चौधरी एक्रोबेटिक मूव्स के साथ 2 पॉइंट अपने खाते में और जमा करते हुए दिल्ली का डिफेंस अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो गलतियां करने के कगार में आ गया, क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। 10 पॉइंट से ज्यादा की लीड है इस समय पे यूपी के पास, तो दिल्ली का जो डिफेंस है वो अब गड़बड़ करना शुरू कर रहा है, गलतियां करनी शुरू कर रहा है। अकेले टैकल करना करने के लिए जाना सही नहीं रहेगा। और यहाँ पे रेड पे है मिंकू। क्या यहाँ पे मिंकू, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली के रेडर्स एम्प्टी रेड क्यों कर रहे हैं। मोनू, पर उन्होंने पॉइंट अपने नाम कर लिया, ये देखकर अच्छा लगा। आपको इस प्रकार से खेलने की आवश्यकता है, लेकिन डिफेंडरों ने तो वो काम कर दिया है। अब 3 नंबर जर्सी में विनीत मावी फिर से गए और तलाश है उन्हें 5वें रेड पॉइंट की। और काफी समय से वो 4 रेड पॉइंट के साथ ही नजर आए, तो क्या 5वां इस बार निकाल पाएंगे या फिर वापस जाएंगे रेड को वैलिड करके और डू और डाई रेड पर ही खेलना पसंद करेंगे। फिलहाल तो थोड़े से धीमे खेलते हुए नजर आए एक और एम्प्टी रेड विनीत। में जो रेडर्स हैं वो ज्यादा हाथ आजमाते हुए नजर आए थे। इससे पहले भी जो टैकल किया था वो अजय पंडित ने किया था जो कि ओरिजिनली एक रेडर है, और यहाँ पे मिंकू आ गए हैं डू और डाई रेड पे और शानदार टैकल करते हुए इवन राहुल चौधरी, यूपी के राहुल चौधरी जो कि ओरिजिनली एक रेडर है, वो भी यहाँ पे डिफेंस में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो दोनों ही टीम की अगर हम बात करें कि रेडर्स एक और पॉइंट लेकर गए 33 नंबर जर्सी सुपरस्टार प्लेयर विनय। जी हाँ, और अब विनीत को थोड़ा सा अपना गेम दिखाना होगा। अब तक वो इस मैच में अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। और यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड, जी हाँ, एक नहीं 2 पॉइंट तो जरूर मिले हैं, पर सवाल अभी ये लग रहा है कि 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और एक ये शानदार सुपर रेड, लेकिन बोनस की भी मांग है विनीत के द्वारा, लेकिन
बोनस नहीं मिला पर 3 पॉइंट अपने नाम किए। और पहली बार अभी मैंने विनीत मावी को इस मैच में देखा है, जो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस वो दिखाया, उन्होंने दिखाया है। तो अब मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। देखना ये होगा कि क्या उस कॉन्फिडेंस के साथ ये इस जो मैच में अपना ये जो इतनी बड़ी लीड है उसको कम कर पाएंगे। विनीत मावी, दिस इज वॉट वी वॉन्टेड फ्रॉम यू, दिस इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू, प्लीज कंटिन्यू टू डू दिस। देखिए काफी समय बाद वो 3 पॉइंट आए, लेकिन उन्होंने उस चीज की भरपाई कर दिया जिसे वो मिस कर रहे थे। अगर यहां से विनीत मावी 1 या 2 पॉइंट और ले जाते हैं तो फिर टीम को ऑल आउट दे देंगे। फिलहाल देखिए उन्होंने अटैक किया है टीम के सुपरस्टार प्लेयर राहुल चौधरी के ऊपर प्रयास किया, देखना होगा क्या पॉइंट लेकर गए। जी हाँ, जी ये नहीं, एम्प्टी बिल्कुल रेड, नहीं। वहां पर पॉइंट नहीं मिलेगा उन्हें, लेकिन प्रयास अच्छा, उनकी जो सोच है ना वो काफी अच्छी रही कि आप सामने वाली टीम के उस प्लेयर के ऊपर अटैक करें जो बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहा है, और शायद राहुल चौधरी का वहां शिकार कर लेते तो फिर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं ऑल आउट के नजदीक आ जाता, लेकिन वो सफलता नहीं मिली है। और अब रेड करने के लिए टीम के दूसरे सुपरस्टार प्लेयर विनय आए हैं जो कि 8 रेड पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। देखिए इस रेड को वैलिड किया जाएगा, वापस जाएंगे क्योंकि आने वाली जो रेड होगी शायद डू और डाई, और डू और जी हाँ, डाई बिल्कुल डू और डाई रेड, और 5 के डिफेंस में डू और डाई रेड में। आई थिंक राहुल यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उनका परफॉर्मेंस इस मैच में काफी अच्छा रहा है, तो वो पॉइंट निकाल लेंगे। और उन्होंने पॉइंट निकाल लिया। जर्सी नंबर 12 में मिंकू को अपना शिकार बनाया, मिंकू जो कि एक रेडर है, तो रेडर ने रेडर को शिकार करके मैच से बाहर किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो भी इस सोच के साथ है कि रेडर्स को हम मैच से बाहर रखते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि अच्छी खासी लीड है और रेडर्स ही उनके लिए पॉइंट निकाल कर लाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप इस एल बैनर में देख सकते हैं कि फैन कोड पे लाइव आप ये मुकाबले जो सीनियर नेशनल के हैं वो भी देख सकते हैं, और आप KMP युवा कबड्डी सीरीज के भी लाइव मुकाबले फैन कोड के ऐप पे देख सकते हैं। तो जैसे अच्छा मोनू, आप बताइए, क्या आप पैन कोड ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ऐप लगता है आपको? देखिए मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि फैन कोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी स्पोर्ट्स को टेलीकास्ट कराने के लिए, या फिर व्यूअर्स की बात करें तो कोई सा भी इवेंट है ना वो सबसे पहले फैन कोड पर जरूर आता है, और बेहतरीन इवेंट हमें देखने को मिलते हैं फैन कोड के ऊपर। तो आप फैन कोड को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आनंद उठाइए, जो युवा कबड्डी चल रही है और वो लगातार चलती रहेगी। फिलहाल तो यहाँ पर पॉइंट चलने लगे हैं दिल्ली के लिए, विनीत मावी का स्कोर कार्ड भी तेजी के साथ चलता हुआ नजर आया है, एक और पॉइंट वो लेकर गए। जी हाँ, डू और और डाई रेड पे पॉइंट निकाला था विनीत मावी ने। यहाँ पे 33-22 का स्कोर है इन फेवर ऑफ यूपी। और यहाँ पे रेड पे आ गए हैं विनय, जिन्होंने अब तक 8 पॉइंट निकाल लिए हैं अपने खाते में, 5 का डिफेंस है। आई डोंट थिंक ही शुड एक्चुअली ट्राई हियर, बट इट्स विनय, सो वो ट्राई करेंगे। बट अगर वो खाली हाथ भी वापस जाते हैं तो कुछ खास बदलेगा नहीं स्कोर कार्ड में उनके लिए। उनके पास अच्छी खासी लीड है, एंड यस, दे ही इज गॉन बैक एम्प्टी हैंडेड। देखिए इस वक्त एम्प्टी रेड बिल्कुल कर सकती है उत्तर प्रदेश की टीम, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि उनकी टीम आगे जा चुकी है, उन्हें तो बस जो लीड है ना उसको बरकरार रखना है, और गेम का जो समय है उसको संपूर्ण करना है और उस मैच को अपने पक्ष में रखना है। फिलहाल तो यहाँ देखिए अजय पंडित आए रेड करने के लिए और तीसरे पॉइंट की दावेदारी पेश की है। जी हाँ बिल्कुल, और तीसरा पॉइंट लेकर भी जाएंगे, एक और पॉइंट दिल्ली के लिए। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम थोड़ी सी आगे नजर आती दिखी है, और वही बात करें उत्तर प्रदेश की तरफ से तो राहुल चौधरी आए, अगर यहां इन्हें टैकल कर लिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की टीम ऑल आउट हो जाएगी। 15 पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बोनस आसानी के साथ दे रहे हैं दिल्ली के डिफेंडर। इसका मतलब क्या है कि वो 2 डिफेंडरों के सामने रेड करना चाहते हैं और टीम को ऑल आउट भी देना चाहते हैं। जी नहीं, 2 नहीं 3 वहां पर डिफेंडर मौजूद रहेंगे, 3 प्लेयर इस वक्त मैट पे नजर आ रहे हैं, और सुपर टैकल की स्थिति हमें नजर आ रही है। देखिए या फंस गए, थोड़ा सा लालच दिया, थोड़ा सा लालच दिया, डबल टाई होल्ड आया, साथ में राहुल का जो सपोर्ट आया है समय के साथ उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, और वहां सुपर टैकल ऑन था तो 2 पॉइंट मिलेंगे उत्तर प्रदेश की टीम के लिए, तो सोने पर सुहागा ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और डिफेंस जो एक गेम का जो एक पार्ट है डिफेंस, वो हमेशा टाइमिंग पे बेस्ड है। अगर टाइमिंग अच्छी हुई तो आप डिफेंस में पॉइंट निकालेंगे, अगर आपकी टाइमिंग खराब हुई तो आप डिफेंस में पॉइंट नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे राहुल चौधरी के सपोर्ट की टाइमिंग काफी अच्छी थी, और जो
रेडर ने फर्स्ट टच किया था, उनके डबल थाई होल्ड की टाइमिंग काफी अच्छी थी। अब देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली का वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है कि वो उत्तर प्रदेश को ऑलआउट देना चाहते थे। अब चार डिफेंडर हमें नजर आ रहे हैं, चार प्लेयर उत्तर प्रदेश के इस समय मैट पर मौजूद है, और यहाँ से पॉइंट निकालना आसान तो नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने आसान शायद करके दिखाया है। फिर से कसमें खाई जा रही है, अब इंतजार रहेगा ऑफिशियल्स का। देखिए उन्हें कार्ड भी दिया जाएगा, अगर वो बहस करेंगे ना ऑफिशियल्स के साथ तो फिर ये सहा नहीं जाएगा, शायद वहां पर ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। पढ़ना जी हाँ बिल्कुल, मोहित को ग्रीन कार्ड दिया गया है जर्सी नंबर 3 में, जो कि मैट से बाहर गए हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उनको टच नहीं लगा, बट रेडर काफी कॉन्फिडेंट थे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कई बार होता है कि डिफेंडर्स को वो जो टच होता है वो फील नहीं होता है, क्योंकि उनके जर्सी पे टच होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर रेडर कह रहा है कि उसको टच लगा है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर रियली ट्रुथफुल इन दिस गेम। सीनियर जी नेशनल्स, हाँ बिल्कुल 17th सीनियर नेशनल्स, जो कि जिसके स्कोर्स आप लाइव देख सकते हैं www.elevatewithnumber8sportswithz.com। और आपको एक और बात ये आपको मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में एलिवेट इंडिया स्पोर्ट्स और युवा कबड्डी सीरीज के तरफ से एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, और शानदार टैकल राहुल चौधरी पर। राहुल चौधरी को यहाँ पे एक टीम वर्क के साथ मैच से बाहर किया, और इसी के साथ अब यूपी की टीम में सिर्फ और सिर्फ दो डिफेंडर मौजूद है। तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे सुरेंदर, जो कि पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है जिन्होंने पिछले मैचेस में, ऑल आउट की कगार पे ला खड़ा करेगा। करना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना जो एक मोमेंटम था वो अपना कायम नहीं रख पाए, और सुरेंदर को काफी शानदार तरीके से सुपर टैकल कर लिया गया, और इसी के साथ 2 पॉइंट सुपर टैकल के यूपी के खाते में आ चुके हैं। देखिए दिल्ली करने क्या गई थी और वो क्या गया उनके साथ, वो ऑल आउट देना चाहती थी और शायद दो एक्स्ट्रा पॉइंट अपने लिए अर्न करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली तो 2 पॉइंट देकर वहां आई है। वहां पर सुपर टैकल कर लिया गया, अच्छा डबल थाई होल्ड किया एक प्लेयर ने, दूसरे प्लेयर का फिर से वहां पर सपोर्ट आया, सही समय पर आया और काफी अच्छा प्रयास किया दिल्ली के उस रेडर ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सफल हुए उत्तर प्रदेश के वो दोनों डिफेंडर, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए तो ये फायदा हुआ है। जी हाँ, और मैं ये और कहना चाहूंगी कि मुझे कहीं ना कहीं जो दिल्ली के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है उससे लग नहीं रहा कि वो यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन देना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे उनको जरूरत है वहां पे वो एम्प्टी रेड कर कर आ रहे हैं, और जहां पे वो सुपर टैकल सिचुएशन में जा रहे हैं वहां पे भी उनका जो एक परफॉर्मेंस है वो काफी, जिसे कहते हैं कि वो एजिलिटी नजर नहीं आ रही है, वो स्पीड नजर नहीं आ रही है, और काफी जल्दी उन्होंने वो अपना दम तोड़ दिया था जैसे ही उनको हाथ लगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो पहले ही हार मान चुके हैं इस मैच में। क्या कहना चाहेंगे मोनू आप इस बारे में? देखिए अगर आप पहले से हार मान चुके हैं या फिर आप समझ रहे हैं कि हम इस मैच में आगे नहीं जा सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल तो देखिए यहां पर कुछ बड़ा करने का प्रयास किया गया है, अच्छा एंकल होल्ड किया है और उसके बाद थोड़ा सा झटपट आया वहां रेडर विनीत मावी, लेकिन उसके साथ समय के साथ वह फिर से जो बाकी के डिफेंडर्स मौजूद थे उत्तर प्रदेश के लिए, उन्होंने फिर से वही सहयोग किया है और सुपर टैकल की वहां पर जो स्थिति थी वहां सुपर टैकल का फायदा उठाया, सुपर टैकल किया और 2 पॉइंट फिर से अर्न किए हैं। और उत्तर प्रदेश की तरफ से बिल्कुल वही माइंड सेट नजर आ रहा है, विकुल लांबा गए, उनका भी सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि जाएंगे रेड को वैलिड करेंगे, और सभी दर्शकों को पता है कि रेड वैलिड कैसे की जाती है। आपको जो पहली लाइन दिख रही है वॉक लाइन, इसको आप क्रॉस कीजिए, उस समय आपका एक पैर लाइन के अंदर, दूसरा समय हवा में होना चाहिए। देखिए कुछ इस जी प्रकार बिल्कुल, से, इसी हाँ तरीके से उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट किया है, शायद वो हमारी कॉमेंट्री सुन रहे हैं, लेकिन आवाज तो शायद नहीं जा रही होगी, लेकिन वो भी जानते हैं कि नियम किस प्रकार से है, तो वही उन्होंने बताया कि आप रेड को वैलिड कीजिए और वापस आ जाइए और समय को व्यतीत कीजिए, कम से कम आप 27 या 28 सेकंड दिल्ली के कोर्ट पर बिताइए और उसके बाद वापस आइए। पॉइंट आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उससे भी अच्छा टैकल ना हो उससे अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पे भी कस्में खाई जा रही है, इंतजार रहेगा क्या पॉइंट लेकर आ गए उत्तर प्रदेश की टीम 41 पॉइंट पर पहुंच गई है। नहीं, जी हाँ, डू और डाई रेड था, और डू और डाई रेड में
रेडर को यहाँ पे पॉइंट निकालना जरूरी था, लेकिन रेडर ने पॉइंट नहीं लिया, इस वजह से रेडर को मैच से बाहर जाना पड़ रहा है। और वापस से तीन का डिफेंस है, सुपर टैकल की सिचुएशन है, इस स्थिति में देखना पड़ेगा कि क्या। जी हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट ले चुके हैं, जर्सी नंबर 4 स्टेप आउट करके बाहर जा चुके हैं। अब क्या यहाँ पे ऑल आउट लगा पाएंगे अजय पंडित? ओह दैट वाज सो क्लोज, ही शुड हैव टेकन दिस पॉइंट, बट नो। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा दिल्ली को और 2 पॉइंट सुपर टैकल के मिलेंगे यूपी को। ये सिचुएशन है जहाँ पे 2 पॉइंट सुपर टैकल के मिल रहे हैं यूपी को, और क्योंकि एक एक डिफेंडर था जिनका पहले ही स्टेप आउट हो गया था, या तो वो उस स्टेप आउट के साथ ही खुश होकर वापस चले जाते तो वो 2 पॉइंट यूपी को नहीं मिलते। देखिए इस समय कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ नजर आया दिल्ली के पक्ष में। वो करने कुछ जा रहे हैं, वो कुछ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 पॉइंट की लीड उत्तर प्रदेश के पास है। अभी उन्होंने पिछले रेड पर क्या किया, एक प्लेयर वहां पर सेल्फ आउट हुआ, एक प्लेयर एक्स्ट्रा का, माफी चाहेंगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा का आ जाता दिल्ली के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इस वक्त 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है, क्यों ना टीम कॉल आउट दिया जाए। लेकिन वो वहां पर टैकल कर लिया गया। और देखिए यहां भी सुपर टैकल की स्थिति है, और यहां भी प्लेयर को डिफेंडर द्वारा पकड़ लिया गया है, विनीत को फिर से टैकल कर लिया गया है। 2 और पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए। अब उत्तर प्रदेश के लिए तो सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आया है, हमने पिछले कुछ समय से देखा है सुपर टैकल की वहां पर स्थिति जनरेट हुई है और उसका फायदा भी उठाया है उत्तर प्रदेश ने। लेकिन जी विनय के हाँ, ऊपर नजर डाले है तो एक लंबे समय से 8 पॉइंट पर हमें नजर आए, इनको अपने 90 पॉइंट का जी या 10। हाँ मोनू, यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। जहां पे विनीत मावी को हम देखते हैं, उनकी जो चाल होती है वो चाल ही बता देती है कि वो यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक यूपी ने कम से कम 4 या 5 सुपर टैकल किए हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पे मिंकू भी पॉइंट लेने आए थे, लेकिन पॉइंट नहीं लिया बल्कि पॉइंट गवा दिया, और 1 पॉइंट और यूपी के खाते में ऐड हो गया। तो अगर हम स्कोर की बात करें तो काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे डू और डाई रेड में आए हैं विनय, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि विनय काफी समय से 8 पॉइंट पे अटके हुए हैं, तो क्या यहाँ पे वो उस 8 को 9 बना देंगे मोनू? देखिए डू और डाई रेड है, बनाना चाहिए और बना भी लिया है। 4 नंबर जर्सी पे अच्छा प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और मैं फिर कहना चाहूंगा यहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली के डिफेंस की गलती हुई है। डू और डाई रेड में आपको कुछ इस प्रकार का प्रयास नहीं करना था, बोनस ऑन नहीं था, आपको सिर्फ सेफ रहना था, पीछे रहना था, वहां पर दबाव रहता रेडर के ऊपर, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। तो आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया था ना कि तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर इनका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आ रहा है। ये झटपट आ रहा है, इन्हें नहीं पता है कि मैच को कैसे आगे ले जाना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं प्रेशर है, अगर प्रेशर रहता है तो मेरा मानना तो यही है कि फिर चीजें समझ में आना बंद हो जाती है। और प्री क्वार्टर फाइनल इस समय आप खेल रहे हैं, यहां से एक गलती आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी, और शायद दिल्ली ने वो बाहर का रास्ता देख लिया है और उसे स्वीकार भी कर लिया है अपना। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे अब शुभम आ गए हैं रेड पे, और अगर हम यूपी की बात करें तो राहुल सब्स्टिट्यूट होकर बाहर गए हैं और रॉबिन चौधरी अंदर आए हैं। तो शुभम अब यहाँ पे देखना होगा क्या यहाँ पे वो पॉइंट ले पाएंगे, क्या शुभम यहाँ पे अपनी टीम के लिए पॉइंट ले पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई फील कि वो यहाँ पे लाइन क्रॉस करी है। जी हाँ, लाइन क्रॉस करी है, और जर्सी नंबर 33 रेडर विनय को मैच से बाहर किया है। तो राहुल चौधरी बाहर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट में बैठे हैं, और यहाँ पे विनय भी बाहर हो गए हैं, यानी कि रॉबिन चौधरी रेड पर आएंगे। 4 का डिफेंस है, रॉबिन चौधरी रेड पर है, और रॉबिन का अगर हम बात करें, ये 6 फुट 5 इंच इनकी हाइट है, इतनी लंबी कदकाठी का ये रेडर है, तो उनको आगे जाके टैकल करना सही नहीं होगा। और वही यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के डिफेंस ने गलती की कि बहुत ज्यादा एडवांस टैकल किया। हाँ देखिए गलती तो लगती का खामियाजा भी भुगता है उन्होंने। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए प्रयास किया था बोनस लेने का, लेकिन बोनस लाइन को कट किया, फुल साफ तरीके से क्रॉस होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए पैर, तो वो पॉइंट तो आप नहीं निकाल सकते। इस समय दिल्ली की तरफ से सुपर टैकल ऑन है, अगर यहाँ पर करते हैं तो 2 पॉइंट
पॉइंट मिलेंगे, लेकिन रॉबिन चौधरी ने तो बता दिया जी हाँ बिल्कुल मोनू, सही कहा आपने कि ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए। और यहाँ पे अजय पंडित क्विकली आए, एक पॉइंट टच पॉइंट लिया अपने नाम और अपने साइड पे चले गए। मेरा सवाल अभी ये होगा कि क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश की टीम और यहाँ पे शुभम कुमार यूपी के डिफेंडर इन अपना हाई फाई लगा चुके हैं, 7 7 टैकल्स उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, उनमें से एक सुपर टैकल भी है। तो शुभम अपने टीम के लिए सुपर हाई फाइव कर चुके हैं। अगर हम स्कोर की बात करें तो शुभम एक इकलौते डिफेंडर हैं जिन्होंने 5 पॉइंट अपने नाम किए हैं। उनके अलावा जो दूसरे डिफेंडर्स हैं, आई थिंक सभी डिफेंडर इस टाइम पे यूपी के चले हैं। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की डिफेंस की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस दिल्ली के डिफेंस से नजर नहीं आया, जबकि रेडर्स डिफेंस करते हुए नजर आए। और यहाँ पे अजय भी आए हैं, उन्होंने रेड को वैलिड करा है और उसके बाद सेंटर लाइन के पास जाके खड़े होंगे। उनको भी पता है कि अब यहां से वापसी नहीं हो पाएगी टीम की, तो अब उन्होंने गेम ये ऑलरेडी छोड़ दिया है यूपी को और डू और डाई रेड में आ गए हैं। रॉबिन चौधरी, देख रॉबिन चौधरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 6 फीट 5 इंचेस इनकी हाइट है, तो इनको एडवांस टैकल नहीं किया जा सकता और सामने सिर्फ खड़े होके अभी वो वेट कर रहे हैं। 4 का डिफेंस है, डू और डाई रेड में। अगर यहाँ पे रॉबिन ने पॉइंट नहीं लिया तो रॉबिन मैच से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आउट हो जाएंगे। लेकिन आउट होने से भी कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं, वो उनकी टीम के पास काफी अच्छी खासी लीड है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैच बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करूंगा। और इसी के साथ मैच हो गया है खत्म, यूपी बनाम दिल्ली, जहां पे यूपी ने ये मैच अपने नाम किया है। 47-30 30 का स्कोर है इन फेवर ऑफ यूपी। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे स्कोर की, तो 47 पॉइंट्स अपने नाम किया है यूपी ने, जहां से राहुल चौधरी ने 19 पॉइंट अपने नाम किए हैं। और विनय भी कुछ कम नहीं है, विनय ने भी 11 पॉइंट अपने नाम किए हैं, जिसमें से 8 टच पॉइंट है और 1 बोनस पॉइंट। सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पे थे अपना सुपर 10 पूरा करने में। और वहीं अगर हम शुभम कुमार की बात करें, उन्होंने अपना हाई फाइव पूरा किया है। नितिन पवार ने 3 पॉइंट अपने नाम किए हैं, विपुल लांबा ने 2 पॉइंट अपने नाम किए हैं और वहीं गौरव ने भी 2 पॉइंट अपने नाम किए हैं। वहीं अगर हम दिल्ली के प्लेयर्स की बात करें तो विनीत मावी, जो कि एक स्टार रेडर के रूप से इस मैच में आए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ खास अच्छा नजर नहीं आया। विनीत मावी ने सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट अपने नाम करे, जो कि वो और ज्यादा कर सकते थे। मैं विनीत मावी को एक बहुत अच्छा रेडर मानती हूँ, लेकिन आज के मैच में उनका परफॉर्मेंस कुछ खासा नजर नहीं आया। काफी सारे एमपी रेड करे हैं उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट अपने नाम करे। वहीं अजय पंडित ने 6 पॉइंट अपने नाम करे हैं, जिसमें से एक टैकल पॉइंट भी है। और वहीं शुभम भिदूड़ी ने 6 पॉइंट अपने नाम करे हैं, जिनमें से 2 टैकल पॉइंट है, यानी कि जो रेडर्स हैं दिल्ली के वो डिफेंस में अपना हाथ आजमा रहे थे। उनके अलावा सचिन ने 1 पॉइंट लिया, गौरव ने 1 पॉइंट लिया, हिम्मत ने 1 पॉइंट लिया और विपुल ने भी 1 पॉइंट लिया। सुरेंद्र, जो कि एक सब्स्टिट्यूट रेडर के रूप में अंदर आए थे, उन्होंने भी 3 पॉइंट अपने नाम करे। तो ये था दोनों ही टीम के प्लेयर्स के स्कोर्स की समरी, जिसमें से यूपी ने ये मैच अपने नाम किया। जी हाँ मोनू, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? 17 पॉइंट की लीड उत्तर प्रदेश के पास रही। और देखिए, जब आप आगाज बहुत अच्छा करते हैं ना, तो समझिए अंजाम भी आप अच्छा देने वाले हैं। और हमने देखा था 4 पॉइंट तेजी के साथ बनाए थे उत्तर प्रदेश की टीम ने। उसके बाद दिल्ली ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट निकाला, लेकिन उसके बाद दिल्ली की टीम पीछे नजर आई। मैच समरी पर नजर डाले थे एक बार फिर से, दर्शकों को बताना चाहेंगे मैच नंबर 45 फुल टाइम का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से रहा है। उत्तर प्रदेश ने 47 पॉइंट अर्न किए और वहीं दिल्ली ने मात्र 30 पॉइंट अर्न किए। रेड पॉइंट्स की बात करें तो 26 रेड पॉइंट आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए और वहीं 19 रेड पॉइंट दिल्ली के लिए हमें नजर आ रहे हैं। टैकल पॉइंट्स की बात करें तो 17 टैकल पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए और वहीं सिर्फ 8 टैकल पॉइंट दिल्ली के लिए।
ऑल आउट पॉइंट्स पे भी नजर डाल लेते हैं तो फिर यहां भी 2 पॉइंट उत्तर प्रदेश को ही मिले हैं, क्योंकि एक बार ऑल आउट दिया था दिल्ली को। सुपर रेड्स की बात करें तो यहां पर दिल्ली की तरफ से हमें सुपर रेड नजर आई है और उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी सुपर रेड नहीं लगाई गई है, लेकिन सुपर टैकल्स पे नजर